तो पहले दिन तुम बाल वाल एकदम स्टाइल से और आईब्रो फिटिंग और शर्ट, तो बाप बहुत गौर से देख रहा होता है कि अच्छा क्या है भाई वो पापा वाइवा होगा आज बाहर के टीचर आएंगे। अब हम क्लास 12th में थे तो हमारे साथ के लोग दिल्ली घूमने आए, घूम के लौट के गए, कहानी सुनाई दिल्ली की यार वहाँ पे एक सिटी जा प्लेस है वहाँ पे, और शाम को खड़े हो जाओ तो लड़कियाँ हाथ पकड़ लेती। सबके मन में ये हुआ कि यार दिल्ली जाना है यार, अब कैसे जाना है, अब घर वाले ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तो बोले साहब सेमिनार। घर वालों ने कहा तू कब से पढ़ने लगा? नहीं नहीं अब पढ़ना है, अब बहुत अब सीरियस हो गए हैं। अब हम क्लास 12th में थे तो हमारे साथ के लोग दिल्ली घूमने आए, घूम के लौट के गए, कहानी सुनाई दिल्ली की यार वहाँ पे एक सीपी जा प्लेस है वहाँ पे, और शाम को खड़े हो जाओ तो लड़कियाँ हाथ पकड़ लेती। अरे नहीं यार, हाँ सबके मन में ये हुआ कि यार दिल्ली जाना है यार, अब कैसे जाना है, अब घर वाले ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तो बोले साहब सेमिनार, एक PMT पे सेमिनार हो रहा है। घर वालों ने कहा तू कब से पढ़ने लगा? नहीं नहीं अब पढ़ना है, अब बहुत अब सीरियस हो गए हैं, अब डॉक्टर बनना है। माता जी ने कहा कि कोई डॉक्टर तो तुम कहीं नहीं जाओगे। पिताजी को समझ में आ गया कि कोई कांड हो रहा है, तभी ये साले जा रहे हैं, जाने दो भैया ये बदतमीज आदमी है। तो को बोले सेमिनार अटेंड कर, गो यू अटेंड सेमिनार, वेरी गुड। अरे बोले यार आदमी का दिल कभी बदल सकता, तुम भी जो है फालतू जाओ जाओ सेमिनार करके आओ, पूरा सेमिनार अच्छे से करना जी। हमको हमेशा लगता है कि हम अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे अब हमारे बच्चों को लगता है। तो मेरे बच्चे अब मुझे समझाते हैं पापा ऐसे नहीं, तो हमें लगता है अच्छा, पर हम भी जानबूझ के बेवकूफ बनते हैं। ऐसे हमारे माँ बाप भी बनते थे, उनको भी पता होता है तुम जो भी करना ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे माँ बाप को पकड़ में नहीं आ रहा है, सब पकड़ में आता, अनुभव सब वही करके गुजरते हैं। तो पहले दिन तुम बाल वाल एकदम स्टाइल से और आईब्रो फिटिंग और शर्ट, तो बाप बहुत गौर से देख रहा होता है कि अच्छा क्या है भाई वो पापा वाइवा होगा आज बाहर के टीचर आएंगे। वो दूसरे स्कूल के टीचर आ रहे हैं तो स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि सब लोग नीट एंड क्लीन बन के आएंगे। अच्छा ले परफ्यूम लगा ले मेरा वाला जा। हम गए दिल्ली, दो तीन दिन घूमे सीपी में, कोई मिला ही नहीं। हम लौट कर आए, फिर लड़के ने पूछा क्या और वो दिल्ली में मजा आया? मैंने कहा बहुत मजा आया, लेकिन तुम झूठ क्यों बोले यार कि वहां लड़कियां हाथ पकड़ लेती? तो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा मैं तो खड़ा था, वो तो आके लिपट ही गई एकदम से। तो फिर और मुस्कुराया वो कि अच्छा। ऐसे लोगों को बोलते हैं एडवेंचरर्स। जो दूसरे जगह की कहानियां सुन के जाते हैं कि मुंबई में ऐसा होता है, और तुम भी सुनते होगे, हम भी सुनते थे, अब हम सुनाते हैं। यूरोप से आए तो गांव जरूर जाएंगे, तो गांव वाले पूछेंगे अच्छा भैया तो लंदन में सब भैया, और क्या क्यूरियस होके लोग सुनते हैं ऐसे हाथ वात रख के ऐसे। रात के टाइम अब तो ठंडक शुरू हो गई ना, तो शाम के वक्त आग लगाई जाती बाहर, उपले वगैरह होते हैं, सब राउंड करके बैठते हैं, उसमें पोटैटोज डाल के रोस्ट किए जाते हैं, बड़ा मजा आता है गांव की लाइफ में। जिनके पास नहीं उनको क्या पता, फिर वहां कहानी सुनाने में बड़ा मजा आता है। भैया एक बार हमको भी ले चलो। यार तुमको अंग्रेजी नहीं आती? नहीं थोड़ा सा सीख लेंगे, डू गो वाई लव ये सब बोल लेंगे।
रिश्ते ना तो एक दिन में बनते हैं और ना एक दिन में खत्म होते हैं। केयर, रिश्तों की शुरुआत केयर से होती है। जब कोई तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखने लगे, खाना खाया, नोट्स मिल गए तुम्हें, अरे बारिश हो रही है ऐसे मत जाओ, मैं ऑटो रिक्शा बुलाता हूं तुम्हारे लिए, जो भी तुम्हारा केयर कर रहा है वो तुम में इंटरेस्ट ले रहा है। केयर जनरली टर्न्स इनटू अफेयर। सिंपल। अफेयर रेयरली टर्न्स इनटू मैरिज। डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस। केयर अफेयर, इसलिए हॉस्पिटल्स में जो लेडीज काम करती हैं उनको सिस्टर्स बोलते हैं, बिकॉज दैट इज ऑफ, और यस दैट इज ऑफिशियल केयर, ऑफिशियल केयर है, इसलिए उनको सिस्टर्स बोलते हैं। तो पहला केयर, फिर अफेयर, फिर मैरिज, पर डिपेंड करता है, वो कंडीशनल है। अगर तुम फेल किए तो लड़की बोल देगी फिर कि पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है। बहुत लड़के मेरे साथ थे बेचारे, बड़े डीप लव बताते थे तुमसे, हमसे कहते थे यू डोंट हैव हार्ट, यू आर अ पर्सन विदाउट हार्ट। तो मैं कहता अच्छा, फिर बाद में रोते होते नजर आए, कपड़ा वपड़ा फाड़ के, क्या हुआ, यू आर करेक्ट, उसमें लड़की की गलती होती नहीं, घर अपने ले जा रहे हो, कुछ खिला उला सकते हो, हम खुद ही भीख मांगे हैं, तो क्यों आएगी तुम्हारे साथ, अपना घर छोड़ के आए भीख मांगे के साथ। लड़कियों की कोई गलती नहीं होती, जिसको तुम घर छुड़वा रहे हो तो किसी गारंटी पे तो छुड़वाओगे, या तो तुम घर छोड़ के उसके यहां चले आओ, वहां झाड़ू पोछा करो, तुम हाउस हस्बैंड बन जाओ, तब वो तुम्हें ढो भी ले कि अच्छा चल मेरे पापा का पैर वर दबाएगा, हाँ जी जी, खाना जी, खाना भी बनाऊंगा, तब चल। तो लेके चली है, फिर खिलाए पिलाए तुमको, अंचर रखे, अब तुम्हें एक फ्यूडलिस्टिक ऑर्डर भी चाहिए कि पत्नी की तरह रहो, घूंघट करके रहो और हमें जी कहा करो। उसे लगेगा वे हवा चलती तो हिलते हो चारों तरफ से और तुमको मैं जी कहूं। तीन फेज है तो रिश्ते टूटते भी एक दिन में नहीं, पहले दरार पड़ती है। जब तुम किसी से दूर रहते हो, जैसे अभी तुम हमारे साथ नहीं रहते हो तो मेरी कमियां नहीं जानते हो, हालांकि मैं बता ही देता हूं बहुत सारी, लेकिन जब तुम किसी के करीब जाते हो तो तुम्हें उसका दूसरा रूप दिखाई पड़ता है। एवरी पर्सन हैज मल्टीपल फेसेस इन हिज और हर लाइफ। मेरा एक चेहरा तुम्हारे सामने है, एक अपना परिवार के सामने है, एक समाज के सामने है, एक दोस्तों के सामने है, कई चेहरे हैं, हम सब के कई चेहरे हैं, होना भी चाहिए, अच्छी बात है, पर पता होना चाहिए कितने चेहरे हैं। 10 के बाद तो मैं गिना नहीं, और मैं अपने हर चेहरे को एंजॉय करता हूं, मजा आता है मुझको। जब तुम किसी करीब जाते हो तो तुम उसके दूसरा चेहरा देखते हो कि अरे तुम तो कह रहे थे तुम सिगरेट नहीं पीते, तो जब तुम करीब गए तो तुमने उसका दूसरा चेहरा देखा, दूसरा चेहरा देखा, पहली बार आदमी तुम्हारे सामने निकला खैनी बनाते हुए, रिफ्ट शुरू हो गई। अब रिफ्ट को अगर तुमने नहीं संभाला, स्ट्रगल। प्यार में आदमी तुम्हारी बुरी बातों को एक्सेप्ट करता है कि क्या सिगरेट पीते हो शाहरुख खान की तरह, और गुस्से में तुम्हारी अच्छी बातों का भी विरोध करता है कि ये आंखें तुम्हारी शैतान की तरह, मत देखा करो मेरी तरफ। और फिर अगर स्ट्रगल तुमने नहीं संभाला तो ब्लास्ट, बाल पकड़ा, लड़ाया दीवार में, हो गया डिवोर्स।